أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله بزرگوں اور بھائیوں عصر کے بعد ایک درخواست آئی کہ آج حقوق الوالدین پر بیان کیا جائے اور آج جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس میں ایک دو نہیں آدھا رکوع حقوق الوالدین پر آیا ہے وَقَوَّا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مگر اس موضوع پر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے بیکار ہے گفتگو کیونکہ بات کرنا جن کے حق ہیں ان کو سنانے سے کیا فائدہ ہے جن پر حق ہیں وہ یہاں ہوں اور ان کو سنائیں تو کوئی فائدہ ہے اولاد یہاں ہو بچے یہاں ہوں اور ان کو والدین کے حقوق سنائے جائیں کوئی فائدہ ہے بچہ تو ایک بھی نہیں پر والدین ہیں اب والدین کو اگر حقوق سنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا مجھے بتاؤ یہ حقوق ادا تو کرنے ہیں اولاد کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ اولاد تو ہے ہی نہیں سن ہی نہیں رہی اور جن کو سنا رہے ہیں ان کو ادا نہیں کرنے ان کے لیے دوسرے ادا کریں گے تو ان کو سنانے سے کیا فائدہ ہے لہذا ہماری یہاں پڑھاتے ہیں سال کے شروع میں کہ حکیم کا فعل عبث نہیں ہوتا ہے بیکار کام نہیں کرتا سمجھدار آدمی کہتے بیکار کام ہے جو مجھ سے درخواست کر رہے ایسا ہی کبھی لوگ کہا کرتے ہیں مسجد میں خواتین بھی ہیں یعنی خواتین کے تعلق سے بھی بیان کرو تقریر کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بھی خواتین نہیں سب جا چکی اور کبھی ایک خاتون بیٹھی ہے یا دو خاتون بیٹھی ہیں ہم گھنٹہ بھر عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور عورتیں تو ہیں ہی نہیں لہذا یہ بیکار گفتگو ہے گفتگو کا صحیح طریقہ کیا ہے لندن میں
तरावी के बाद बयान होता है, इतवार के दिन यानी शनिचर के दिन शाम को तरावी के बाद मर्दों के लिए बयान नहीं होगा। 7 साल की उम्र से 21 साल की उम्र के बच्चे होंगे, सिर्फ 21 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं होगा, 7 साल से नीचे का कोई बच्चा नहीं होगा। और ऐसे बच्चों की तश्कील करके, पूरा हफ्ता तश्कील करके, महल्ले के सारे बच्चे, मस्जिद है, मस्जिद के साथ कम्युनिटी सेंटर है, बड़ा हाल है उसमें, तो वो बच्चे सब वहां इकट्ठा करेंगे, कुर्सियों पर बैठेंगे, जूते पहन करके आएंगे, वहीं उनके साथ बयान करेंगे, मस्जिद में नहीं, कम्युनिटी सेंटर नेक्स्ट डोर है कम्युनिटी सेंटर। और पूरा हफ्ता जो जिम्मेदार है वो पूरे महल्ले में घूमकर बार बार ऐलान करके कि 7 साल से छोटा बच्चा ना आए, और 21 साल से बड़ा ज्यादा उम्र का कोई मजलिस में न हो, और इस दरमियान की उम्र के सारे बच्चे वहां इकट्ठा हों, और एक दिन हफ्ते में उन्हीं के लिए बयान। इतवार के दिन जोहर के बाद औरतों के लिए सिर्फ बयान, उसमें सिर्फ औरतें आएंगी, पूरे महल्ले की सब औरतें आएंगी, मदरसे में ऊपर बैठेंगे, मैं नीचे हूं, कोई मर्द नहीं होगा उस बयान, मेरे सामने भी कोई मर्द नहीं, मैं अपने कमरे में अकेला हूं, अपने माइक से बयान कर रहा हूं, ऊपर औरतें सुन रही हैं, जो मर्द अपने खवातीन को लेकर आए हैं वो भी छोड़कर घर जाओ, फिर इतने बजे तकरीर खत्म होगी, उस वक्त मर्द लेने के लिए आ जाओ, बाकी उस बयान में कोई मर्द शरीक नहीं होगा, औरतें ही औरतें। और बाकी हफ्ता भर जो तकरीर है वो मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए मुश्किल है। वहां तो माइक सिस्टम है, 10 माइल के रेडियंस में मस्जिद की तकरीर घरों में जाती है, 10 माइल के रेडियंस में मस्जिद की अजान घरों में जाती है, घरों में रेडियो है, एक खास रेडियो है, वो रेडियो ऑन रहते हैं हमेशा, मस्जिद में अजान होगी तो हर घर में अजान की आवाज पहुंचेगी। तो रोजाना जो तकरीरें होंगी वो तो मर्दों और औरतों की मुश्तरक होंगी, और जो सिर्फ खवातीन के लिए तकरीर होगी वो इतवार के दिन जोहर के बाद घंटा डेढ़ घंटा उनके लिए तकरीर होगी, उसमें कोई मर्द नहीं होगा। और बच्चों के लिए शनिचर के शाम को तरावी के बाद मर्दों की तकरीर मौकूफ, और नौजवानों की तकरीर होगी। तो उसका तो कोई फायदा है कि उन बच्चों को ये समझाया जाए कि भाई देखो वालिदैन के ये हुकूक है, तो कोई फायदा है। वालिदैन को समझाया, वालिदैन समझाने का फायदा है, जिनको हुकूक अदा करने हैं वो कहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये दोनों उनवान जो लोग दरखास्त करते हैं बेकार उनवान है, मैं इन मौजू पर तकरीर नहीं करता। हाँ, नौजवानों को अलग से इज्तिमा में इकट्ठा करो, फिर उनके सामने उनके शायन निशान बातचीत होगी। सिर्फ औरतें इकट्ठा करो, उनके शायन निशान बात होगी, और अगर मर्द और औरत से मखलूत हैं तो आम बात होगी। जो मौजू चल रहा था उसे मुख्तसर शॉर्ट करके आज निमटा देना, लंबी बात होती है वो याद नहीं रहती, पर बात मुख्तसर है तो वो याद रहती। बात हमने यहां से शुरू की थी, अबू जहल ने यह कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी व फिदाहु अरवाहुना। कोई लड़का इसका जिंदा रहता नहीं, जो लड़का पैदा होता है 1-1.5 साल का होकर मर जाता है, बस ये जो नया दिन इसने शुरू किया है ये अपनी डुगडुगी बजा रहा है, जब तक ये जिंदा है डुगडुगी बजाएगा, मर जाएगा, फिर इसका नाम लेने वाला पीछे कोई होगा ही नहीं, अब तक दुम कटा इसका पीछे कोई नाम लेने वाला रहा ही नहीं। कुरान ने इसका जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैरे कसीर दी। ये पेशीन हुई, ये सूरत नाजिल हुई है इस्लाम की बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, इस्लाम का पौधा
बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, इसका कोई तस्वूर ही नहीं था। उस वक्त तो कुरान ये कह रहा है अबतर नहीं है आप, आपको हमने खैर कसीर दी। फिर मुसलमान मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर भी नहीं, आटे में नमक के बकद्र है, नमक के बकद्र भी नहीं, गिनती के उंगलियों पर गिन लें इतने चंद आदमी मुसलमान हैं। ऐसे वक्त में एक हादसा पेश आता है, मुश्रिकीन का एक वफद आता है, कंप्रोमाइज करो, एक दिन हम मस्जिद में आते हैं, एक दिन तुम मंदिर में आओ। तो कितना मुसलमानों के लिए कितना गोल्डन चांस है, ऐसे मौके पर आदमी फिसल जाता है फौरन, खुल गया ये हल्का फिर नाजिल हुई, ये कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, हक हक है, बातिल बातिल। क्या है, हक के मानने वाले चंद अफराद हों मगर उनको अपने मौकिफ पर मजबूत रहना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और नताइज का इंतजार करना है। हथेली पर सरसों कभी नहीं जमता, नहीं समझे, सरसों तो जानते हैं वो बहुत जल्दी उगता है। अगर आपको शादी करनी बच्चे की तो घर के सामने एक जगह हमवार करके सरसों लेकर उससे लिखिए वेलकम, और फिर उस पर हल्का हल्का पानी छिड़क दीजिए, रात गुजर कर सुबह को वो सरसों सारा उग आया होगा और घास में लिखा होगा वेलकम। अब एक ले मुट्ठी भर सरसों हाथ में डाले और हाथ में यूं फैलाए और फिर पानी छिड़का और देखा कि उगते हैं या नहीं उगते, तो हथेली पर थोड़े सरसों जमता है। और सरसों जमाने के लिए भी मिट्टी चाहिए, मिट्टी पर उसे डालो और फिर उस पर पानी छिड़को और रात भर इंतजार करो तो सुबह उगे। अब वो हाथ पर सरसों फैलाकर पानी छिड़क करके देखता है कि उग तो नहीं रहा। यहां से ये महावरा बना है कि हथेली पर सरसों कभी नहीं उगा करता। ठीक है, सरसों बहुत तेजी के साथ उगाता है बेशक, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। लिहाजा हालात का इंतजार करना पड़ता है। हालात की रफ्तार क्या है, हालात की रफ्तार क्या है, इसका समझना भी अल्लाह के कानून को समझना बहुत मुश्किल है। हालात की रफ्तार क्या है इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। अभी 11वें पारे में ये आयत गुजरी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के लिए बद्दुआ की, रब्बनत मिस आला अमवालिहिम वशदुद आला कुरूबिहिम फला यूमिनू हत्ता यरउल अज़ाब अलीम। अल्लाह उनके दिलों को सख्त कर दीजिए, उनके मालों को मिटा दीजिए, जब तक दर्दनाक अजाब न देखें ईमान न लाए। अल्लाह के यहां से वही आई है, अलकद उजी बद्दा वतुकुमा, अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों की यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, अलकद उजी बद्दा वतुकुमा फस्तकीमा, दोनों मजबूत रहो, वला तत्तबिअन्न सबील अल्लज़ीन ला यालमून, जो लोग दीन नहीं जानते, अल्लाह और अल्लाह के मामलात को नहीं जानते उनका फॉलो मत करो। ये वही आ गई। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि इस वही के आने के 40 साल के बाद फिरौन डूबा है। 40 साल तक इनको मजबूत जमे रहना पड़ा, तब जाकर के फिरौन के डूबने का वाकया पेश आया है। कुरान कह रहा है कि बस अल्लाह की मदद आया जाती है, तुम्हारी दुआ कबूल है, तुम मजबूत रहो, हम अजाब भेजते हैं, वो अजाब 40 साल के बाद आ रहा है। इसलिए अल्लाह के यहां वक्त की रफ्तार क्या है उसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इतनी बात बहरहाल है कि देर सवेर कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन,
قوم یونس کے واقعے میں ہے کہ دیکھو ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم کو کیسے نجات دی. والعاقبۃ للمتقین, اونٹ بیٹھتا ہے ہمیشہ نبیوں کے نصرت پر, اسی کروٹ پر اونٹ بیٹھتا ہے. اس میں دیر سویر ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, اور کتنا وقت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن کہا مضبوط رہو, لکم دینکم ولی دین, اپنے موقع پر مضبوط رہو, اللہ کی مدد آ رہی ہے, اور اتنی زبردست مدد آ رہی ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور سارا جزیرۃ العرب گروہ گروہ اسلام میں آ جائے گا. اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور سارا عرب اسلام کو مان لے گا. قرآن نے کہا ہاں ایسا ہونے والا ہے, مدد اللہ کی آ رہی ہے, سارا جزیرۃ العرب فتح ہو جائے گا, سب اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے, تو مضبوط رہو, یہ وقت آ رہا. پھر سوال پیدا ہوا کہ عقل تو یہ بات قبول کرتی نہیں, مکہ کا سب سے بڑا ریچ مین ابو لہب, جس کے پاس گولڈ اتنا تھا کہ اس کمرے میں جس میں گولڈ رکھا تھا اس میں داخل ہوا تو جیسے شعلے بھڑک رہے ہوں ایسا نظر آتا تھا سونے کا ٹن. اتنے بڑے بڑے ریچ مین وہاں ایک نہیں, ابو لہب جیسے اور بھی تھے. ان کی سب یہ فوج اور ان کی سب یہ دولتیں اور ان کے سب یہ ہتھیار اور یہ سب مال کہاں چلے جائیں گے, مکہ کیسے فتح ہو جائے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور اس کا وہ خود بھی ہلاک ہوگا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا, اس کا کمایا ہوا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. چنانچہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے عجیب نظارہ دیکھا جب حضور چپکے سے مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 فوج لے کر چلے ہیں, تو کوئی ایک شخص مکہ میں ایسا نہیں تھا جو حضور کی آنکھ سے آنکھ ملا سکے, جو مسلمان لشکر کی آنکھ سے آنکھ ملا سکے. سب نے ہتھیار نیچے رکھ دیے, سرنڈر ہو گئے, اور ایک آدمی کا خون نہیں بنا بہا اور حضور داخل ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا, اور شام ہوتے ہوتے سب مکہ مسلمان ہو گئے. ان کے وہ ٹینک کہاں گئے, کیڑے پڑ گئے. ان کے وہ میزائل کہاں گئے, سرسری کھا گئی. ان کے وہ ہتھیار کیا ہوئے, باڑ میں گئے. سب دھرا دھر کیا کرایا, دھرا کا دھرا رہ گیا اور مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ فتح ہو گیا اور سارا جزیرۃ العرب امنڈ پڑا اسلام قبول لانے کے لیے. تو قرآن نے یہ صورت رکھی, تبت یدا والی صورت رکھی. یہاں تک تو میں لایا تھا آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے, میزائلوں میں سرسری لگ جائے گی, ہتھیاروں کے اندر سے ہوا نکل جائے گی, آخر ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کہا یہ کرنے والی ذات اللہ کی. اب قل ہو اللہ یہاں رکھی, اس کے بعد قل ہو اللہ اس لیے رکھی ہے کہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی. یہ قل ہو اللہ احد ہے, اس کا ایک شان نزول ہے, اور ایک تبت یدا کے بعد یہ صورت رکھی گئی ہے. کیوں رکھی گئی ہے اس کی وجہ میں نے بتلا, اور اس کا شان نزول کیا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے, الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اللہ کے لیے لفظ رب استعمال کیا, اور مشرکین اپنے خداؤں کے لیے بھی یہی لفظ رب استعمال کرتے ہیں. مشرقین ان کے جو مورتیاں تھیں, جو بت تھے, جو ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں سے جنہوں نے دو خواب دیکھے تھے ان سے ہی کہا ہے, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ رب, ڈفرنٹ ڈفرنٹ رب کیا, یہ ہیلتھ کا رب, یہ بارش کا رب,
ये लक्ष्मी दौलत का दौलत की भगवान है, ये फला का, ये चीचक का, ये फला का, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर तूने रब बना रखे हैं, ये अरबाबू कफर रकून, ये डिफरेंट डिफरेंट बेहतर हैं या एक खुदा है वाहिद कहार हर चीज पर गालिब है। मुहम्मद सलाम ने उन दो कैदियों से कहा है कि तुम जिन खुदाओं को मानते हो वो सब डिफरेंट डिफरेंट खुदा, एक के पास में तंदुरुस्ती है बस और कुछ नहीं करता, ये तंदुरुस्ती दे सकता है, एक दूसरा खुदा है वो चीचक का खुदा है बस इतना ही डिपार्टमेंट उसके पास, एक दौलत की लक्ष्मी है दौलत की खुदा, ये फलां खुदा पवन का खुदा, ये फलां खुदा बारिश का खुदा, वो अपना अपना ही काम कर सकते हैं, दूसरा कोई इख्तियार नहीं रखते। तुम ऐसे खुदा मानते हो और हम अल्लाह को मानते हैं जो एक है और हर चीज पर गालिब है। तो हजरत ने पूछा है उनसे अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, मुझे इसमें क्या बतलाना है कि ये जो मुशरिक कौमें हैं अरब के लोग अपनी मूर्तियों के लिए भी रब इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी रब इस्तेमाल करते थे, कुरान ने अल्लाह के लिए भी लफ्ज रब इस्तेमाल किया, पूरे कुरान में भरा पड़ा है और अल्लाह के लिए लफ्ज रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मुश्रिकीन ने हुजूर से एक सवाल किया कि हमारे भी रब हैं, आपका कोई रब और है, तो सिर्फ लना रब का, अपने रब के हालात हमसे बयान करो कि तुम्हारा रब कौन है, हमारे रब तो हम जानते हैं, हमारे लॉर्ड्स हम जानते हैं, लेकिन तुम जो रब रब कहते हो तो तुम्हारा रब है कौन, इसका इंट्रोडक्शन कराओ। ये सवाल आया सिर्फ लना रब का, बयान कीजिए हम हमारे लिए अपने रब के हालात, यानी हमारे रब, हम अपने रबों को तो हम जानते हैं, हमारे बहुत रब हैं उनको हम जानते हैं, आप भी एक रब पुकारते हैं और इस रब की तरफ हमें दावत देते हैं, तो अपने रब का इंट्रोडक्शन कराओ हमें। उस पर ये सूरत नाजिल हुई, कुल आप उनसे कहिए जवाब दीजिए, हुवल्लाह मेरा जो रब है वो अल्लाह है। देखो अल्लाह को मुश्रिकीन जानते थे मानते थे, और अल्लाह ही नहीं अल्लाहुम्मा भी इस्तेमाल करते थे, अल्लाहुम्मा जो है या अल्लाह शुरू में से या हजरत की और उसके बदल में आखिर में मीम लगाई, तो या अल्लाह उसका बदली हुई सूरत अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा के माने भी है या अल्लाह, असल लफ्ज है या अल्लाह, उसमें से या को शुरू से हजरत करके उसके बदले में आखिर में मीम लगाई, तो वो या अल्लाह भी इस्तेमाल करते थे और या अल्लाह तो कम इस्तेमाल करते, अल्लाहुम्मा तो मुशरिकीन के यहां कसरत से इस्तेमाल होता, तो अल्लाहुम्मा भी तो अल्लाह है या अल्लाह है। तो उनको जवाब दिया कि मेरा रब वही है जिसको तुम अल्लाह कहते हो, जिसको तुम अल्लाह कहते हो वो मेरा रब, तुम्हारे रब तो ये हैं राम है लक्ष्मण है गणपति है ये है, ये तो तुम्हारे रब है, मेरा रब तो अल्लाह है जिसको तुम जानते हो अल्लाह। जैसे हमारे हिंदुस्तान के हिंदू अल्लाह को जानते हैं और उसके लिए भगवान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तीन लफ्ज अपने मंदिर पे जो मूर्तियां हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो अल्लाह ही के लिए तीन लफ्ज इस्तेमाल करते। इसी तरीके से जजीरतुल अरब के मुशरिक अल्लाह किसी मूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो हकीकी रियल अल्लाह जो है उसी के लिए अल्लाह इस्तेमाल करते थे और अल्लाहुम्मा भी इस्तेमाल करते। तो उनको उनसे कहा कि कुल हुवल्लाह मेरा जो रब है वो वही है जिसको तुम अल्लाह लफ्ज अल्लाह से जानते हो, वही मेरा रब है उसके अलावा कोई रब नहीं है। वो जो अल्लाह है उसके फिर अब सिफात शुरू होंगे,
चार सिफतें आई हैं। पहली सिफत है अहदुन, वो एलोन है, अकेला। कुल हुवल्लाहु अहदुन, मुशरिकीन के जो रब है वो तो अहदुन नहीं है, वो तो सैकड़ों हजारों रब है। और मेरा जो रब है वो अल्लाह है और वो एलोन है, अकेला है। पहली सिफत तो यह है कुल हुवल्लाहु अहद, लिहाजा मेरे रब में और तुम्हारे रब में इम्तियाज हो गए। तुम्हारे रब हैं अरबाब मुतफर्रिकून, बहुत सारे रब जिनके पास अलाहिदा अलाहिदा डिपार्टमेंट है और हर एक अपने डिपार्टमेंट का इख्तियार रखता है उनके ख्याल के मुताबिक, अपने डिपार्टमेंट का इख्तियार रखता है, दूसरे डिपार्टमेंट का कोई इख्तियार उसे नहीं है। जो खुदा उनका बारिश बरसाता है वो बारिश ही बरसाएगा, वो धन दौलत नहीं दे सकता है, वो बीमारी दूर नहीं कर सकता है। धन दौलत वाला खुदा अलग है, बीमारियां दूर करने वाला खुदा अलग है। तो तुम्हारे तो सब मुतफर्रिक खुदा है, मेरा तो खुदा अहदुन है, एलोन है, एक है। और वो जिसको तुम अल्लाह कहते हो और वो अल्लाह को एक ही मानते, जैसे हिंदू भी परमेश्वर भगवान एक ही मानते। तो मेरा रब जो है, मतलब रब के तारीफ, रब का इंट्रोडक्शन कराना है कि मैं जिस रब को पुकारता हूं अल्लाह को मैं रब कहता हूं और वो एक। फिर सवाल पैदा हुआ कि एक खुदा इतनी बड़ी कायनात कैसे चला रहा होगा। मुशरिकीन ने जो बहुत सारे खुदा बनाए हैं वो कायनात के शोबे बनाए हैं और उन डिपार्टमेंट बनाए हैं और हर डिपार्टमेंट का एक खुदा तजवीज किया है। बड़ा कारखाना हो, मुल्क हो, उसको चलाने के लिए डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक बड़ा बनाना पड़ता है। तो इतनी बड़ी कायदा ये खुदा कैसे चलाएगा। तो फरमाया अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मखलूक बहुत बड़ा कारखाना नहीं चला सकती, उसके लिए छोटे छोटे शोबे बनाने पड़े, लेकिन अल्लाह समझ है, बेनियाज है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आप यूं समझिए कि जिस अल्लाह ने ये कायनात पैदा की है तो एक इतनी बड़ी कायनात एक हस्ती पैदा कर सकती है तो संभल भी नहीं सकती। ये वो गरीब बात है, इतनी बड़ी कायनात एक अल्लाह पैदा कर सकता है, मगर फिर संभालने का वक्त आया तो काफी डिपार्टमेंट बनाओ और अलग अलग खुदा तजवीज करो। अजीब बेवकूफी की बात है, इतनी बड़ी कायनात एक अल्लाह ने पैदा की और अब संभालने का वक्त आया तो कहा एक नहीं संभाल सकता। क्यों नहीं संभाल सकता भाई, जब इतने पैदा किया तो कैसे नहीं संभाल सकता। इसलिए कहा अल्लाह समद, मैं मेरा जो रब है वो अल्लाह है और अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो पूरी कायनात को अकेला संभालने वाला है। मेरे भाइयों, पुराने करीम में सात जगह पर एक मजमून आया, إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر। बेशक तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों को जमीनों को छह दौरों में पैदा किया। क्योंकि हमारे जो आज के डे एंड नाइट है ये तो उस वक्त थे नहीं, लिहाजा उस वक्त दिन अल्लाह के यहां का दिन था, वो कितना लंबा था अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसलिए मैंने तर्जमा किया कि बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों को और जमीनों को छह पीरियड में, छह दौरों में पैदा किया है, फिर वो तख्ते शाही पर जमकर बैठे हैं और सारे कायनात का कंट्रोल खुद उनके हाथ में है। ये दबेर ये तुमस्तवा अल अर्श, ये इस सिया को सबाक में आया है, इससे पहले ये है, इसके पीछे ये है कि बेशक तुम्हारा रब
वो है जिसने आसमान और जमीन को छह दौरों में पैदा किया, फिर वो तख्त शाही पर जमकर बैठे हैं और सारा मामले का कंट्रोल इंतजाम खुद ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने बीच में से आयत का एक टुकड़ा ले लिया और एक मसला खामखा हुजूर खड़ा कर दिया, बताओ अल्लाह कहाँ है, अर्श पर बैठे। भाई इतना बीच में से टुकड़ा ले लेंगे, इधर भी छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे। अरे पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत के दरमियान में टुकड़े का क्या मतलब है? कहते हैं भी फला मुल्क के तख्त शाही पर कौन बैठा है, कि हुमायूं बैठा है। कोई हुमायूं हर वक्त वहां तख्त पर थोड़ी बैठा रहता है। हिंदुस्तान के तख्त पर हुमायूं बैठा है, इसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान का कंट्रोल उसके हक में है। अल्लाह ने आसमान और जमीन को छह दौरों में पैदा किया, फिर तख्त शाही पर जमकर बैठे और सारे मामले का कंट्रोल कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। ये सारी आयत पढ़ करके सोचो, नहीं बीच में से एक टुकड़ा लेकर उसी के पीछे पड़ जाएंगे, बताओ अल्लाह कहाँ है, अर्श पर बैठे हैं, बताओ अल्लाह कहाँ है, अर्श पर बैठे हैं। देखो ये जब कहें कि हिंदुस्तान के तख्त पर कौन बैठा है, हुमायूं बैठा है, तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में तख्त है और हुमायूं का उस तख्त से ताल्लुक भी है, बैठता भी है। लेकिन कोई ये समझे कि हर वक्त हुमायूं तख्त पर बैठा रहता है, तो मेरे भाई ऐसा समझना तो मेरे ख्याल से गलत ही है। तो अल्लाह का अर्श है, कुरान में जगह जगह पर आया है, इन तवल्लो फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह का अर्श है और अल्लाह का अर्श के साथ ताल्लुक भी है, लेकिन ये समझना कि हर वक्त अल्लाह अर्श पर बैठे हैं, ये तो मुहावरे के खिलाफ है और आयत के दाएं बाएं जो टुकड़े हैं उनके खिलाफ है। बहरा कुरान ने जगह जगह पर कहा कि पूरी कायनात का कंट्रोल अकेले अल्लाह किए हुए हैं। वो अकेले कैसे कर रहे हैं, वो समद हैं, बेनियाज हैं, मखलूक की तरह मोहताज नहीं है। मखलूक मोहताज है, वो बड़े कारखाना का कंट्रोल एक आदमी नहीं कर सकता। अल्लाह खालिक व मालिक है, वो समद हैं, वो बेनियाज हैं, वो सारी कायनात का कंट्रोल अकेले कर सकते हैं। वो आलिमुल गैब व शहादा हैं, वो जर्रे जर्रे के अहवाल से वाकिफ हैं, उनके लिए किसी चीज का कंट्रोल करना क्या मुश्किल है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का मामला तो यूं है कि अल्लाह ने जब कोई काम करना चाहा तो कहा हो जा तो हो गया। देखो अरबों के यहां किसी का इंट्रोडक्शन कराना हो तो नाम बताना पड़ता है और फिर कुनियत बतानी पड़ती है। जैसे अगर कहना हो हमारे आका का तारुफ कराना हो तो कहेंगे कि हमारे आका का नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, और कुनियत अबुल कासिम, कासिम के अब्बा। तो कहीं तो बेटे से कुनियत होती अबुल कासिम, और कभी बाप से हजरत अब्दुल्ला, एक बड़े सहाबी गुजरे हैं हजरत उमर के बेटे, उनकी कुनियत इब्ने उमर, हजरत उमर के लड़के। तो अरबों के यहां यही तरीका है, नाम बताओ, नीचे से कुनियत बताओ, ऊपर से कुनियत बताओ। तो उन्होंने मुश्रिकीन ने पूछा था सिर्फ लना रब का, हमारे लिए अपने रब का के हालत बयान करो, प्रॉपर नेम तो बतला दिया कि मैं जिस रब की तरफ तुम्हें बुलाता हूं उस रब का नाम है अल्लाह। कुल हुवल्लाह, फिर दो सिफत लाए, अहद और समद। अब कहो किसके बेटे किसके अब्बा, तो कहा उनकी कोई कुनियत नहीं, लम यलिद, उन्होंने किसी को जना नहीं। जो नीचे से कुनियत हो कफुला का अब्बा, वलम यूलद, और वो जने नहीं गए। जो ऊपर से कुनियत हो कफुला के बेटे। अरबों की इंट्रोडक्शन के यही तीन तरीके हैं, किसी का कहें तो नाम बताओ, परोपर नेम बताओ, नीचे से कुनियत बताओ, ऊपर से कुनियत बताओ। तो कुरान ने परोपर नेम बताया, कुल
हुआ 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 यानी रब, इस रब की तरफ मैं दावत देता हूं। उसका परोपर नेम है हुआ और उसका नीचे से कोई कुनियत नहीं है, ऊपर से कोई कुनियत नहीं है। नीचे से कुनियत इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी को जाना नहीं, नबी अली, और ऊपर से कुनियत इसलिए नहीं है कि वो उनको किसी ने नहीं जाना, उनके माँ बाप नहीं है जो हम ऊपर से कुनियत बताएं या नीचे से कुनियत बताएं, उनकी कोई कुनियत है ही नहीं। लम यलिद व लम युलद, ठीक है। आखिरी बात बताई, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई कायनात में उनके हम सर, दो खड़े हुए दोनों के सर बराबर है, हम सर, ये सर उनका कोई हम सर नहीं, कोई उनके बराबर का नहीं। जितना जितनी कुदरत उनके पास है उतनी कुदरत किसी और के पास नहीं। अब ये टुकड़ा किसी उन सूरतों से जुड़ा कि आदाए इस्लाम के दुश्मनों के पास जो कुछ हथियार हैं, जो कुछ साजो सामान है, जो कुछ मालो दौलत है, थोड़ा इंतजार करो, उन सबने कीड़े पड़ने वाले हैं। कौन कीड़े डालेगा? वो हस्ती डालेगी जिसका कोई हमसर नहीं। अगर दो हैं तो एक खुदा तो उस हथियार को कारामत बनाना चाहता है, एक खुदा नाकारा करना चाहता है। वहां तो कोई दो खुदा है ही नहीं, अल्लाह का कोई हमसर है ही नहीं। जब अल्लाह कोई चीज करना चाहेंगे तो कौन अल्लाह को रोक लेगा? ये जो आखिरी टुकड़ा है वो सूरत के साथ जुड़ता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं। ये मजमून पूरा हुआ। अब मेरे भाइयों, बहुत अहम मजमून है। कुछ मखलूक में तीन चीजें ऐसी हैं कि उनका जरर, उनके जरर से बचना बड़ा मुश्किल। वो तीन कौन हैं? रात में आने वाली आफत, जादूगर जो गिरहों में फूंके मार मार कर जादू करते हैं, और हासिद हसद करने वाला, जलने वाला, जलकर कोयला हो रहा है, इन तीन के शर से बचना बड़ा मुश्किल है। ये जो आगाए इस्लाम है ये तो मैदान के दुश्मन है। हम इधर हैं, तुम आओ सामने, आओ लड़ो, आज निकल कल नहीं परसों फैसला होगा। लेकिन ये जो आस्तीन के सांप हैं इनसे बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बचना। बस दो सूरतें और नाजिल की कि इनके शर से बचने के लिए तुम्हें अल्लाह ही की पनाह चाहनी है, अल्लाह ही तुम्हें इनके शर से बचा सकते हैं और बचने की कोई सूरत नहीं है। लिहाजा कुल कहिए, अऊज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह चाहता हूं मैं सुबह के परवरदिगार की, सुबह के मालिक की। देखो रात गुजरी, सुबह पौ फटी, जिसने रोशनी नमूदार की अल्लाह ने की, तो जिसने रात की तारीकी खत्म करके सुबह की रोशनी नमूदार की, वो रोशनी का भी मालिक है और रात का भी मालिक। रात का मालिक है जब भी तो उसने रोशनी की नमूदार की, और रोशनी नमूदार की तो दिन का भी मालिक है। तो कहो मैं पनाह मांगता हूं, शेल्टर, हिफाजत में जाता हूं। किसकी हिफाजत में जाता हूं? सुबह के मालिक की हिफाजत चाहता हूं। मिन शर्र मा खलक, उन मखलूकात की बुराई से जिन मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। जब अल्लाह ने उन मखलूकात को पैदा किया है और हम अल्लाह की पनाह में चले जाएं तो अल्लाह अपनी पैदा की हुई मखलूकात की बुराई से नहीं बचा सकता। किसी गैर की मखलूक हो तो अल्लाह कैसे बचाएंगे? लेकिन वो मखलूक भी अल्लाह ही की पैदा की हुई है, वो हमें बुराई पहुंचाना चाहे तो अल्लाह ताला हमें नहीं बचा सकते, जरूर बचा सकते हैं। लिहाजा हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं। एक सवाल है, किताबों में लिखा है, किसी ने किसी से पूछा
कि ये सारा सारी कायनात तीर कमान बन जाए और एक शख्स उस तीर उस कमान से तीर खींच कर तुम्हें मारे तो कैसे बचे। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि वो तीर मारने वाले के बगल में घुस जाओ। जो तीर चलाने वाले उसके बगल में चले जाओ, कहां लगेगा तीर। तो सारी कायनात अल्लाह की पैदा की हुई, जो चीज जरूर पहुंचा रही है उसको हम उससे बचना चाहते हैं तो खालिक के बगल में घुस जाओ, वहां जाकर पता ले लो। कुल कहो अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। कहो पनाह चाहता हूं मैं सुबह के रब। सुबह के रब की का मतलब ये है कि टाइम डे एंड नाइट सारे दो सारे टाइम के मालिक वही है। मिन शर्रि मा खलक और सारी मखलूकात के मालिक भी वही है। बस मखलूक रात में या दिन में हमें शर और जरर पहुंचाना चाहे तो हम उसके जरर से पनाह मांगने के लिए अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपकी मखलूक हमें शर और जरर न पहुंचा सके। आप कायनात के मालिक हैं, टाइम के भी मालिक हैं, डे एंड नाइट के भी मालिक हैं, सुबह आप नमूदार करते हैं, रात के भी आप मालिक हैं, दिन के भी आप मालिक हैं। सारी मखलूक आपने पैदा की है, उसके जरर से आप हमारी हिफाजत करना चाहें तो कर सकते हैं, लिहाजा माफी की पनाह चाहते हैं, और कहां जाए। देखो कुरान करीम का एक तरीका है, वो ये है कि पहले बात शॉर्ट बयान करता है फिर उसको डिटेल से बयान करता है। आज ही हमारे हाफिजों ने सूर्य कहफ पढ़ी है, तो सूर्य कहफ असल कहफ के माने हैं गार। सात नौजवान औलिया अल्लाह बुजुर्ग एक घर में जाकर चले गए थे, उन सात वलियों का बुजुर्गों का दुश्मनों से बचने के लिए शहर छोड़कर पहाड़ों में एक घर में चले गए थे, उनका किस्सा है। तो कुरान ने जब वो किस्सा शुरू किया तो पहले मुख्तसर तरीके पर तीन आयतों में निमटा दी। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. چار آیتوں میں سمیٹ کر سارا قصہ بیان کر پھر تفصیل شروع کی۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ہم ان کا پورا واقعہ ڈیٹیل سے صحیح صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ لمبی بات کو پہلے سمیٹ لیتا ہے اور سمیٹ کر پھر کھولتا ہے۔ تو اس صورت میں جو کچھ کہنا اسے سمیٹ لیا ہے کہ کہیے پناہ چاہتا ہوں میں صبح کے پروردگار کی اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سب جو بھی اللہ کی مخلوق مجھے ضرر پہنچانا چاہے شر پہنچانا چاہے میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بات سمجھ اب پھر کھول رہے۔ تین مخلوقات ایسی ہیں جن کے شر سے بچنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ من شر غاسق اذا وقب رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، مغرب کے بعد شفق غروب ہونے تک تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن شفق غروب ہو گئی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، کھیتوں میں رہنے والے جب چلیں گے رات میں تو اندھا دھند چلیں گے، ہو سکتا ہے سانپ پر پیر رکھے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اور یہ سانپ وغیرہ
दरिंदे और डसने वाले जानवर आम तौर पर रास्ते में आकर रात को पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। वो इसीलिए पड़ते होंगे कि रास्ते पर चलने वाली मखलूक है, उसको डसेंगे, खाएंगे, वो उनका रिस्क है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि जब कहीं रुको, काफला रुके तो रास्ते में मत रुको, रास्ते से हटकर रुको, क्योंकि रास्ते पर दरिंदे आएंगे और काटने वाले जानवर आकर के चलेंगे वहां। बहरहाल रात जब छा जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो अब जो भी रात में सफर करता है वो बस अल्लाह के भरोसे पर ही करता है। तो कहा, एक तो रात के शर से पढ़ना चाहो, जब रात छा जाए, मिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब। दूसरा, जादू करने वाले, जादू करने वाले मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। औरतों का जादू ज्यादा कामयाब होता है मर्दों की बनिस्बत। आज भी जो जादू करने वाले हिंदू होते हैं तो मर्दों से औरतें जादू करने वाली, उनका जादू बड़ा सख्त होता है। तो कहा, वमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, गंडों में गिरहें लगाकर उस पर जो फूंक ते हैं यानी जादू करते हैं, उनके शर से बचे। जादूगरों के शर से अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बचा सकता। तीसरा, एक शख्स हम पर जल रहा है, हसद। हसद के माने हैं ये चाहना कि सामने वाले की हर नेमत खत्म हो जाए, मुझे मिले या न मिले, उसके पास न रहे। ये जलना भी इंसानों में इतना है कि उससे अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, जलने वाले के शर से बचा जब वो जले। अगर वो जलने वाला है न मुझ पर न जले मेरी बला से, लेकिन कोई जलने वाला मुझ पर जलना शुरू कर दे, हसद शुरू कर दे, तो अब उसके शर से अल्लाह ही बचा सकते हैं और कोई बचाने वाला नहीं। ये तीन मिन शर्रे मा खलक की तफसीर हुई, और ये तीन ऐसे जरर हैं कि उन जररों से अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई तरीका बचने का नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो सुबह के परवरदिगार की पनाह चाहता हूं, मिन शर्रे मा खलक, उन मखलूकात की बुराई से जो मखलूकात उन्होंने पैदा की। वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और खास तौर पर रात की बुराई से जब रात छा जाए। वमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, और खास तौर पर से गिरहों में मंत्र पढ़ पढ़ के फूंकने वाले यानी जादू करने वाली औरतों के शर से बचे। वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और जलने वाले के शर से बचा जब वो जलना शुरू करे मुझ पर। ये तीन खास तौर पर, उसके अलावा अल्लाह की हर मखलूक से अल्लाह की पनाह हमने चाह ली पहली दो आयतों, और उनमें से इन तीन को खास किया। आप मेरे भाइयों गौर करो, मैदान का दुश्मन वो जरर नहीं पहुंचा सकता जो आस्तीन का सांप जरर पहुंचाता है। मैदान में दुश्मन है, दो दो हाथ करो, हम चित होंगे या तुम्हें चित करेंगे, लेकिन ये जो सांप आस्तीन में घुसा हुआ है इससे कैसे बचा जाए। ये आस्तीन के सांप एक दूसरे पर जादू करवाते हैं, रात में चलते चलते कोई चीज काट लेती है, हादसा पे हादसा, खड्डे में गिर पड़ता है। जलने वाला जब जलता है तो पता नहीं किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इनसे बचने का कोई रास्ता अल्लाह के सिवा नहीं है, लिहाजा अल्लाह की पनाह चाहो। एक दूसरा दुश्मन है, मैदान का दुश्मन नहीं, वो दुश्मन है छुपा हुआ शैतान। उसके शर से बचना है तो भी अल्लाह की पनाह चाहनी है, अल्लाह के अलावा शैतान के शर से कोई नहीं बचा सकता। फरमाया, कहिए अऊज़ु बिरब्बिन नास,
तमाम लोगों के जो परवरदिगार और पालनहार हैं उनकी पनाह चाहता हूं। औज़ु बिरब्बिन नास, तमाम इंसानों के परवरदिगार और पालनहार हैं उनकी पनाह चाहता हूं। फिर और रब्बुन नास इसमें सब आ गए, अब और तरक्की अल्लाह की सिफत में होती है। मलिकिन नास, तमाम लोगों के बादशाह उनकी पनाह चाहता हूं। इलाहिन नास, तमाम लोगों के माबूद उनकी पनाह चाहता हूं। अल्लाह की तीन सिफतें आई, अल्लाह पूरी तमाम लोगों के रब हैं, तमाम लोगों के बादशाह हैं, तमाम लोगों के माबूद हैं, ऐसे अल्लाह की पनाह चाहता हूं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, दिल में वसवसे डालने वाले और फिर पीछे हट जाने वाले, दिल में वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले की बुराई से। आया, दिल में वसवसा डाला, लाया मिन शर्रिल वसवास, दिल में वसवसे डालने वाले, अल खन्नास, वसवसे डालकर पीछे हट गए। वसवसा कहां डालता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे डालता है। कौन है? मिनल जिन्नति वन नास, वो वसवसा डालने वाला जिनों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। देखो कुरान करीम में ये मज़मून जगह जगह पर आया है कि शैतान इंसानों में भी है, जिन्नात में भी है। शैतान के माने हैं सरकश, अल्लाह के दीन से सर खींच लेने वाला, अल्लाह के अहकाम का नाफरमान। अगर इंसान अल्लाह के अहकाम का नाफरमान है तो ये भी शैतान है, और जो जिन्नात अल्लाह के अहकाम से नाफरमान है वो भी शैतान है। देखो जिन्नात में मोमिनीन भी है, वो जिन्नात है, वो शैतान नहीं। जो शयातीन में काफिर हैं, अल्लाह के अहकाम से नसर खींचने वाले हैं, वो जिन्नात में से शयातीन हैं, और ऐसे ही इंसानों में जो अल्लाह के अहकाम से सर खींचने वाले हैं वो इंसानों में से हैं। कुरान करीम में है शयातीनुल इंस वल जिन्न युही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफल क़ौल ग़ुरूरा, इंसानों में कुछ शयातीन है, जिन्नात में कुछ शयातीन है, जो एक दूसरे की तरफ चिकनी चिपड़ी बातें वही करते हैं, चुपके चुपके पहुंचाते हैं, इशारे करते हैं। बहरहाल शयातीन जिन्नात में भी है, इंसान में भी है, और शैतान एक नहीं है, वो एक जिसने सजदा पहले नहीं किया था वो शैतान अकबर है, सबका गुरु है, उसके मातहत अरबों खरबों शैतान है। एक ने सवाल किया के शैतान अभी तो देवबंद में एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके दिल में वसवसा डाल रहा था, और उसी घड़ी में अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसके दिल में भी वसवसा डाल रहा है, दोनों जगह कैसे पहुंच गए? ये सवाल किया था किसी तालिबे इल्म ने, मैंने उसे जवाब दिया कि शैतान को एक थोड़ी, शैतान तो बेहिसाब है, देवबंद में नमाजी बंदे के दिल में जो वसवसा डालता वो शैतान और है, न्यूयॉर्क में जो डालता वो शैतान और है। तो ये जो आखिरी सूरत में उसमें एक ही चीज से पना चाही गई है, मालूम है ये सबसे खतरनाक यही कहो पना चाहता हूं लोगों के परवरदिगार, लोगों के बादशाह, लोगों के माबूद, दिल में वसवसा डालकर दिल में वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की बुराई से, जो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे डालता है, खा वो इन जिन्नात में से हो खा इंसान में से हो, मैं सबसे पना चाहता हूं अल्लाह के। कहो इन दो सूरतों का शान नुज़ूल बैकग्राउंड ये है, आप लोग जानते हैं कि यहूद में एक यहूदी था लबीद, उसने और उसकी लड़कियां थी जादूगर, तो बाप जादूगर अल्लाह जाने था या नहीं, तो बाप के कहने पर
उसकी लड़कियां जो जादूगर थी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया। और एक तांत में जब ऊंट को जबा करते हैं या कोई भी जानवर जबा करेंगे तो गर्दन में से एक सफेद पट्टा निकलता है लंबा, उसको तांत कहते हैं। उस तांत में 11 गिरहें लगाई और उसमें मंत्र पढ़ पढ़कर फूंके उसने, और खजूर के कुछ फूल भी लाए, हुजूर की कंघी के टूटे हुए कंघी ले गए थे वो भी, और सब में हांडी में भरकर एक पुराना बेकार कुआं था उस कुएं के अंदर उसे दफन कर। इस जादू का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतना असर हुआ कि एक काम नहीं किया और ख्याल ये रहा कि कर लिया, ये काम कर लिया और ख्याल ये आया कि नहीं किया, बस इतना असर हुजूर पर हुआ। हुजूर परेशान, ये क्या तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहां हुजूर की बारी थी। हुजूर उनके घर ईशा के बाद गए और हजरत आयशा तो लेट गई और हुजूर ने नमाज शुरू की। नफलें पढ़ते रहे बहुत देर तक नफलें पढ़ी, फिर हुजूर लेट गए। ख्वाब में दो फरिश्ते आए, एक सिराने खड़ा हुआ, एक पाइंती खड़ा हुआ। पाइंती पर जो खड़ा था उसने पूछा सिराने पर खड़ा था, अरे हजरत जी को क्या हो रहा है। तो सिराने पर खड़े हुए ने कहा इन पर जादू किया गया। उसने पूछा किसने जादू किया है, तो बतलाया नबी की लड़कियों ने किया है। किस चीज में किया है, तो बतलाया कि फला फला चीजों में किया है। कहां है वो, तो कहा मेरे घरवान में है, ये कुआं बेकार कुआं था तो उस कुएं में दफन किया। और हुजूर की आंख खुल गई, तो हुजूर ने फौरन हजरत आयशा से कहा आयशा मैंने आज नमाज पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे क्या हो रहा है अल्लाह मुझे बता दें, तो अल्लाह ने ख्वाब में मुझे बताया। सुबह हुई, हजरत जिब्राइल ये दो सूरतें लेकर आए, इन दो सूरतों में 11 आयतें, आखिरी सूरत में 6 हैं और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में 5 हैं, 11 हैं, और उसने वहां 11 गिरहें लगाई। हुजूर चंद सहाबा के पास गए और उसे खोद कर वो हांडी निकाली, और हजरत जिब्राइल ये सूरतें फर्द तबक के फूंकते थे और हर आयत पर एक गिरह खुल जाती थी, यानी उसका असर बातिल हो गया। और हुजूर भले चंगे हो गए, जैसे गोया कोई असर नहीं। ये दो सूरतें मदीना में यहूद ने जब जादू किया तब ये दो सूरतें नाजिल हुई हैं, और इसके जरिए से हजरत जिब्राइल ने हुजूर का इलाज किया। मगर ये कुल हुवल्लाहु अहद के बाद क्यों रखी, उसकी वजह मैंने बतलाई कि मैदान के दुश्मन से लोहा लेना बहुत आसान है। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा होंगे वो हमें मार देगा, मर जाएंगे, या हम मार देंगे वो मर जाएगा, उससे लोहा लेना बहुत आसान है, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक सूरत में मखलूक के शर से तीन, खास तौर पर तीन मखलूक, रात जब छा जाए, जादूगरनियां जब जादू करके गिरहों में फूंके मारे, और जलने वाला जब जलना शुरू करे, ये तीन खास तौर पर, वरना अल्लाह की हर मखलूक के शर से पना चाही गई है सुबह के परवरदिगार। और एक सूरत में अल्लाह की तीन सिफतों की दोहाई लेकर के पना चाही गई है शैतान के शर से, जबकि वो दिलों में वसवसे डालकर पीछे हट जाए, चाहे वो वसवसे डालने वाला शैतान इंसान हो चाहे जिन्नात। और ये इनसे बचने के लिए बस अल्लाह ही की पनाह लेनी है, और कोई बचने की शक्ल नहीं। अब इन सूरतों से फायदा उठाने की बहुत सी शक्लें उलमा ने तजवीज की। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि रात को सोते वक्त 4 कुल
قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس یہ چار کل پڑھو اور پھر ہاتھوں پر دم کرو اور دم ایسا کرو کہ ہلکے ہلکے تھوک کے اجزاء بھی اس میں جانے چاہیے اور پھر اپنے پورے بدن پر جہاں جہاں بھی ہاتھ پہنچ سکے ہاتھ پھیر کر کے سو جاؤ. حدیث سے اس طریقے پر عمل کرنا ثابت. دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی سنتوں میں یہ دو سورتیں پڑھو اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں یہ دو سورتیں پڑھو. تو فجر میں یہ دو سورتیں پڑھو گے تو دن بھر کے شرک سر شر سے حفاظت ہو جائے گی, مغرب کے بعد کی سنتوں میں پڑھو گے تو رات بھر کے شر سے حفاظت ہو جائے گی. یہ علماء نے تجویز کیا, وہ تو حدیث میں. یہ علماء نے تجویز کیا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پابندی سے کبھی کبھی نہیں پڑھنے گا, پابندی سے سورتیں پڑھو اور مغرب کے بعد کی دو سورتوں دو سنتوں کے اندر یہ سورتیں پڑھو. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس دشمن سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہمیں مقابلہ کرے, اور جس دشمن سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لیے اللہ کی پناہ لے. یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. کسی عامل کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی نے کیا کیا ہے, آسیب لگ گیا ہے, جادو کسی نے کر دیا ہے, بیماری ہے, کسی عامل کو کچھ نہیں پتا چلتا. یہ جو عاملین بتلاتے ہیں یہ سب علل سب بتلاتے ہیں. اگر پتا چلتا تو سب سے پہلے حضور کو پتا چل جاتا کہ مجھے سحر ہوا. حضور کو بھی خواب میں اللہ نے فرشتے بھیج کر بتلایا کہ خواب ہوا. اور یہ جو عاملین ڈھونگ کرتے ہیں یہ سب ڈھونگ ہے عاملوں, لوگ بے وقوف بناتے ہیں. دیکھو یہ عاملین چوری بھی بتاتے ہیں, کوئی گم ہو گیا ہے تو گم شدہ کو بھی بتلاتے ہیں, یہ سب ڈھونگ ہے. دلیل, اگر عامل کو چوروں کا پتہ چل دیتا تو حکومتوں کو یہ پولیس کا محکمہ رکھنا ہی نہیں تھا, ایک عامل کو بٹھا دیتے وہ سب چوریاں بتاتا رہتا. اتنا بڑا پولیس کا محکمہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے چوروں کو پکڑ لیں. یہ تو کبھی اتفاقاً صحیح نکل گیا بشورت ہو. دیکھو میں تک بتاؤں, میرا ایک دوست تھا انتقال ہو گیا, وہ مظاہلوں میں میرا ساتھی تھا, دہلی میں رہتا تھا, تعویز گھنٹے کرتا تھا, بڑا زور کا تعویز گھنٹہ چلتا تھا اور کئی مکان بنا لیے اس نے, لڑکے بھی اس کے کئی تھے, سب کے لیے مکان بھی بنا لیے, بڑا کمایا. ایک دن دیو بنایا میرے پاس, تو میں نے کہا بھائی تو کب سے عامل بن گیا, تجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ عامل بننے کے لیے کوئی آنا وانا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تو کیسے کیوں تعویذ گھنٹے کرتا ہے؟ ارے کہا بازار میں تعویذ چھپے ہوئے ہیں, ملتے ہیں, لا کے رکھ لیتا. ایک عورت بچے کو لے کر آئی کہ باپو اس کو کھوپرا ہو گیا ہے, تو میں نے 21 تعویذ نکال کر اسے دے دیے کہ پلا اسے, اب کون سا بخار 21 دن رہے گا, جب مار کر 2-4 دن کے بعد چلا جائے گا, تو ہمارا نام ہو جائے گا باپو کی تعویذ لائے تھے بخار اتر گیا, حالانکہ وہ ڈاکٹر کی دوا سے دینے گا. 21 دن کا تو کوئی بخار رہتا ہی نہیں. چلو یہ تو دوسرے کا قصہ تھا, میرا قصہ سنو. ایک زمانے میں میرے بارے میں بہت شہرت ہو گئی کہ چوریاں بتاتے ہیں, چور کو بتاتے ہیں, بڑی شہرت ہو گئی, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا بھائی میں نہیں جانتا. کہ نہیں, واقعہ کیا پیش آیا تھا, میرے پاس میں ایک تکمیل معقولہ کا ایک درجہ تھا, ایک درجہ بڑا تھا, اس میں 15-16 طالب علم تھے. یہ طالب علم کے 150 روپے چوری ہو گئے. اس زمانے میں پرانا قصہ 30 سال پہلے کا, اس میں 150 کی بڑی قیمت تھی. وہ طالب علم آیا کہ حضرت میرے 150 روپے تھے میرے پاس میں, وہ چوری ہو گئے. میں نے کہا تجھے کسی پر شبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جماعت میں فلاں طالب علم ہے, میرے کمرے میں رہتا ہے, مجھے اس پر شبہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کسی سے کچھ مت کہیے. میں سبق میں گیا اور سبق میں جا کر میں نے تقریر کی کہ بھائی دیکھو ہماری جماعت کا کوئی ایک طالب علم ہے, اس کے 150 روپے چوری ہوئے ہیں, اور یہ 150 روپے
कल सुबह से पहले पहले उसको पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा। जोर की तकलीफ मिले। खैर सब पढ़ा कर घर चला गया तो एक तारीख में आया कि हजरत को मैंने उठाया। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने उठाए हैं तो देखो उस तालिब इलम की किताबें रखी हैं अलमारी में, उन कोई किताब मेरी याद है? मैंने कहा हाँ, मिसबाहुल लुगात के। मैंने कहा मिसबाहुल लुगात के सफा 350 पर रख दें। उसने जाकर सफा 350 पर रख दिया। दूसरे दिन जाकर फिर मैंने तकरीर पिलाई। मैंने कहा वो तालिब इलम नालायक कौन है, बोल कौन है? वो कहता मेरे चोरी हुए हैं। कहाँ चोरी हुए हैं? चिड़ी मिसबाहुल लुगात के सफा 350 पर रखे थे। जाकर खोला तो वैसे हमारी शोहरत होगी कि चोरी किस बचलाते हैं, चोरी पकड़। ऐसे मेरे भाइयों सब ढोंग होते हैं। और ये अंदाजा लगाने के कि इसको शहर है या बीमारी है या आसेब है, उसके लिए कुछ कायदे हैं, मगर वो सब जन्नी है, यकीनी नहीं है। इसी तरह से चोर का फलाने चोरी किए नाम बताते हैं, कतअन जायज नहीं है उसका यकीन करना। आज भी हमारे हाफिजों ने आयत पढ़ी है, वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। दलील कभी मजबूत दलील के बगैर किसी के बारे में बदगुमानी जायज नहीं। तो ये आमिर बताते हैं फलान तेरे चचा ने किए, तेरे चचा ने जादू कर दिया, तेरे खाला ने कर दिया, इसका यकीन करना हराम है। ये तो सब ऐसे बकवास करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान से बचना हो, मखलूकात के शर से बचना हो, उसका वाहिद जरिया यही है। अगर कोई बात है आमिर के पास जाओ, अगर कोई तकलीफ है उससे कहो भाई मुझे क्या है। वो कहता तुम पर जादू है, टोना है, टोटका है, आसे है। उसने कहा हम नहीं जानते, इलाज कर। बोल कितने पैसे लेगा, इलाज करवाओ, और हमें कोई बात जाननी नहीं, पूछनी नहीं, मैं बीमार हूं, इलाज कर, मुझे ठीक हो जाना चाहिए, बोल कितने पैसे लेगा। तो इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं। कुछ भी है, आसेब है, जादू है, कुछ भी है, इलाज कर। वो जो बातें बताता है वो बातों का बिल्कुल यकीन करना जायज नहीं है। इसका सही यकीनी तौर पर पता चलाने के कोई रास्ता है ही नहीं। कोई आमिल है, अच्छा आमिल है, आमिल है, अमलियात भी, आसिफ के भी अमलियात हैं, जादू के भी अमलियात हैं। कोई किसी को बीमारी है तो इलाज जरूर करो, इलाज फायदा हो जाए, सुभान अल्लाह। नहीं है तो आखिर हम डॉक्टरों से भी इलाज कराते हैं, कभी फायदा होता है, कभी नहीं होता। लेकिन आमिर जो कुछ बताते हैं उनका यकीन करना जायज नहीं है। मैंने कहा तो कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे आमिर बतला सके कि तुझे शहर है या बीमारी है या तुझे ये है वो है, ऐसा कोई यकीनी पतली तरीका नहीं है। और इलाज भी 100% कामयाब किसी के पास नहीं है, भी सुन लो, 100% इलाज भी किसी के पास कामयाब नहीं है। दो चीजों का असर बिल्कुल लिया कभी खत्म नहीं होता, शहर और जहर। जहर खा लिया गया वो 100% मदन से निकल जाए नाम नहीं हो सकता है, जहर का असर कुछ ना कुछ जिंदगी भर रहेगा। ऐसे शहर क्या हो जाए, चाहे इलाज करा लो, कुछ ना कुछ असर रहेगा। बस इलाज क्या है, रोजाना सोते वक्त ये दो सूरतें पढ़ो, चारों कुल पढ़ो अपने बदन पर, हमेशा दम करके सो। और वो जो वो लोगों ने बतलाया है कि फजर और मगरिब की सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ो, उस पर भी अमल कर, उस पर भी अमल कर। बाकी सोते वक्त ये दम करके सोना, ये तो हदीस से साबित है। यही तरीका है इन जादूगरों की बुराई से बचने का, इन जलने वालों की बुराई से बचने का। तो मैं समझा ये रहा था कि ये सूरतें खास तरतीब से, कि हुजूर के बारे में जिसने कहा था कि ये दुम करता है, बेबरकत है, यानी हमने हुजूर को खैरे कसीर दी। और चाहे आहले हक जरा से हों, उनको अपने मौके पर जमा रहना है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, थोड़े दिन इंतजार करो, अल्लाह की मदद आएगी और तुम्हारा हाथ ऊपर होगा और तुम्हारे दुश्मनों के हाथ टूटेंगे, उनके माल और दौलत सब तबाह होंगे, क्योंकि अल्लाह सबसे ऊपर है, अकेले हैं, बेनियाज हैं।
और जिन दुश्मनों से तुम बच नहीं सकते हो, वो मैदान के दुश्मन नहीं है, छुपे हुए दुश्मन है, उनसे बचना हो, ये दो सूरतों का वीर रखो। आखिर दावा नाने हम दे, एक सवाल